ढिल्लों पंजाब फुक चैनल तो देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो इस वक्त असी पिंड कोटला बामा जिहड़ा कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दे विच पैंदा पिंड है, असी वह पिंड दे विच उत्थों दे साबका सरपंच जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल वल्लों रह चुके ने सरदार अवतार सिंह जी, सन ऑफ सरदार उल्फत जी, उन्हां दे निवास स्थान ते उन्हां दे नाल बैठे हाँ। तो असी इन्हां कोलों वी उह सारे सवाल पुछांगे जिहड़े कि पूरे पंजाब विच साडा जिहड़ा है सर्वे चल रहा है, तो असी बाकी सरपंचा कोलों भी पुछदे हाँ जिहड़े सवाल जिदा, तो इन्हां कोलों भी पुछांगे कि जिदा कि कैप्टन साहब ने कहा सी कि स्मार्ट विलेज होणगे, स्मार्ट स्कूल होणगे ते स्मार्ट सिटी च होणगे, तो पिंड हुण पिंडां वर्गे नहीं रहणगे, इन्हां नूं एक शहर बना दिता जाएगा। तो आपां इन्हां नूं पुछदे हाँ कि हुण कांग्रेस दे सरपंच आए ने ते उन्होंने पिंड विच किन्ना क विकास किया है, सरपंच अवतार सिंह जी दे नाल। हाँ जी सर, सब तो पहला कुछ अपने पार्टी वर्करां नूं कहना चाहो। हाँ जी, सब तो पहला तो मैं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, साबका मुख्यमंत्री पंजाब, और सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान, श्री रविकरण जी कालू साहब दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना हाँ, जिन्हां ने पिछले समय दे जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार ही उस समय बहुत ही विकास कराया। अच्छा सर, हुण आपां गल करिए जी, जदों सर तुसी सरपंच बने जी ते उस टाइम ते अपना शमशान घाट जिहड़ी आ उहदी कंडीशन की सी? उस वक्त शमशान घाट जिहड़ा इस तरह ही खुला पिया है। अच्छा जी, ते हाँ जी रड़ा है। तो जो मैं सरपंच बनया उदों फिर अहीं चार दुआरी कराई। अच्छा जी, सब तो पहले चार दुआरी कराई, तो होर काम विच होया जिम का कमरा बनया, एक अपना शैड बनया जी, तो उस तो बाद फिर होर ही काम होए पिंड दे बड़े बड़े। हाँ जी, गेट फिर हुण मगरों लगे पिछों। अच्छा, बाद च लगे। हाँ जी, मैं पक्का तो इन्होंने किया हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बाद सारा काम स्टार्ट किया। हाँ जी, मैं स्टार्ट किया, पहलों नहीं ध्यान नहीं कोई दिता जी, किसी ने ध्यान ही नहीं। हाँ जी, बस ठीक है जी। तो सर अपना वाटर सप्लाई का किदा जी? वाटर सप्लाई का तो माड़ा हाल है जी, ये टंकी जी इतने लगनी चाहिए है अपने पिंड कोटले बामा दे लगनी चाहिए है, पानी इतने चंगा ही वधिया पानी। हाँ जी, हाँ जी, ये इन्होंने फिर घोगे लवा दी है अपने पिंड वाले ने, साडे ने आख्या भी इतने जगह नहीं हैगी। अच्छा, ये जगह तो हैगी ही, इतने मड़िया के लग जाती, मड़िया के लग जाती, तो बहुत चंगी गल ही। हाँ जी, जगह हैगी ही, मड़िया के लग जाती जी, उ किन्ना इन्हें टंची ने तो थोड़ा टाइम जगह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये फिर घोगे लग गई, तो घोगे हूँ पानी जो आता कई बार माड़ा पानी आता जी, गंदा पानी आता। हाँ जी, गंदा पानी आता, तो लोगों जोड़े सर बहुत ज़्यादा गरीब लोग ने जिन्हें घर समर्सी बल्ब नहीं लगे, तो कई नलके भी नहीं लगे होने, वो सर फिर कि पानी का गुजारा करते हैं? पानी वो जी अपना नहर देते नलके लगे आ, उतों फिर भर के लै आते पानी, दो दो तीन तीन दिन इस तरह ही भर के, तो इस तरह रख सड़ते घर। अच्छा, वो पानी बहुत वधिया है, टंची तो वधिया पानी है, वह पानी वरतते। हाँ जी, असं आप खुद पानी वह वरतने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा सर, हूँ आप गल करिए कि जिदा मान लो कि गंदे पानी का निकास से, तो गंदे पानी का निकास किया जी? गंदे पानी का निकास तो वाहवा चिर जी साढ़े सीवरेज थले पै गया ही, ये चेयरमैन साहब ने पाया साढ़े कोटला बामा साहब ने, तो उदों का वधिया काम किया इन्होंने, बहुत वधिया काम होया जी, सीवरेज जिहड़ा पै गया। हाँ जी, तो साढ़े पिंड कोई गंदगी नहीं इन्नी होंगी, पानी नहीं कोई खलोंदा, कितने सप्पड़ च नहीं खलोंदा, ये काम बहुत वधिया जी। ना जी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना हूँ नहीं जी हैगी, नहीं हूँ नहीं हैगी। हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਝ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ना जी कोई नहीं जी, इतने ठठा प्याज साढ़े घर के लागे ही है जी। हाँ पंचायत घर गए कोई मेरी होश तो पहलों का ये मतलब इस तरह का प्याज जी। हाँ जी किसी ने ध्यान नहीं दिता जी, इस तरह ही चलता रहा खंडर प्याज। बहुत माड़ी गल है क्योंकि पंचायत घर से बहुत जरूरी होना चाहिए पिंड। हाँ जी दसन लिया भी खंडर प्या एक बड़ी बहुत एक सोचने वाली गल है जी आप सोचिए। अच्छा चलो सर आप गल करते अगे कि टाइम से फ्लशा बनवाइया से अपने टाइम। हाँ जी फ्लशा बनाई कि सर कोई पता नहीं है मैनू बनिया हो गए 35-40 ते नीले कार्ड भी बनवाए थे। नीले कार्ड ही बनाए। नीले कार्ड भी बनाए। हाँ जी ते राशन कार्ड। राशन कार्ड ही बनाए। राशन कार्ड बनाए। हाँ जी ते पेंशन। पेंशन लवाइया जी। पेंशन हाँ जी ठीक है ते। अच्छा जी हुण आपां गल करदे आ कि आ आउण वाली जिहड़ी इलैक्शन आ 2022 ठीक है जी, ते 2022 च इलैक्शन आ रही आ ते आपां अकाली दल वाल आ ते अकाली दल वालों आपां किन्नी कि तैयारी कर रहे हैं इलैक्शन की कि जिहड़ा आपां इत्थों अकाली दल नूं वध तों वध वोट पवा के जिता सकीए जिहड़ा कि अपना बूथ आ अपने पिंड दा ये जित सके अकाली दल वालों। अहीं जी फुल तैयारी कर रहे हैं जी अकाली दल वास्ते, अहीं दिन रात एक करांगे। हुण टाइम गाड़ी आ रहा जी, दिन रात एक करके तो अहीं अकाली दल वास्ते अहीं काम करांगे, तगड़े होकर काम करांगे, ऐतक अकाली दल नूं जितावांगे जी। ठीक है ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਐਤਕਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਖਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ 14-19 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ 100 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ? 100 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30% ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 70% 60% ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 30% 30 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 40 ਲਾ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 40% ਕੰਮ, 100% ਤੋਂ 40% ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।